हाँ भैया, हाँ जी, एरोक्स से नहीं, हाँ एरोक्स 155। ओ भाई साहब, They'd have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All I got is working. Never stop searching. Never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic. With this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy. So neurotic. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज का प्लान थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज एक स्कूटी का हम लोग करने वाले हैं रिव्यू, जो कि आप लोगों को टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। तो बात कुछ ऐसा है कि वो वाला स्कूटी अभी आसनसोल में अवेलेबल नहीं है, तो मेरा एक भैया है, उन्होंने बाहर से खरीद के लाया है, कोलकाता साइड से कहीं से खरीद के लाया है। तो आज वो वाले स्कूटी का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा एक ट्विस्ट है कि ट्विस्ट अभी नहीं बताएंगे, आप लोग वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली मैं निकल चुका हूँ एक्सर 155 को लेके। सॉरी। तो आप लोग देख सकते हैं इसका कलर भी ब्लू है और मैं अपना हर बार फेवरेट कलर लेके ही निकलता हूँ। तो आप लोग इसका लुक्स देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं वही वाला लोकेशन पे जहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग रिव्यू किए थे। तो सही से एक बात बोलूँ कि ये गाड़ी चला के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूटी चला चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन ये वाला स्कूटी चला के ना एक अलग ही फील आ रहा है, क्योंकि 155 सीसी का स्कूटी आज पहली बार चला रहा हूँ। इससे पहले जो भी स्कूटी चलाया मैंने 125 सीसी 110 सीसी का आसपास का ही था, लेकिन 155 सीसी का, क्योंकि मेरा बाइक भी 155 सीसी का ही है, R15 V3 155 सीसी का ही है। अच्छा, लेकिन ये जो स्कूटी है वो भाई साहब, मतलब बता नहीं सकते कि इसका जो पावर मेरे को फील हो रहा है, एक BS6 मॉडल है लेकिन फिर भी जैसे BS4 जैसा पावर मेरे को फील हो रहा है इसमें। एग्रेसिव तो बहुत ज़्यादा ही है। तो गाइस चलते हैं हम लोग इस ब्रिज के ऊपर जहाँ पे जाके, एक मिनट, कोई भाई लोग मिल रहे हैं। हाँ भैया, हाँ जी, हाँ एरोक्स 155। हाँ वही रिव्यू के लिए लेके, हाँ जी, कितना पड़ा? मैं नहीं बताऊंगा, खरीदा नहीं, रिव्यू के लिए लेके जा रहे। हाँ जी, ये ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके रिव्यू। हाँ जी, हाँ जी, रुकिए, तब अभी बोलेंगे तो भूल जाएंगे, स्टिकर दे देते हैं आपको, क्योंकि चैनल का नाम थोड़ा बड़ा है, मिस्टर बॉन्डस्टॉर्मर, तो आपको स्टिकर दे देते हैं। सही है, मस्त लग रहा है, पावर बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा पास, मेरा जो खुद का बाइक है वो है R15 V3। अच्छा, तो वो भी 155 तो। अच्छा अच्छा, थैंक्स, लव यू फॉरएवर। 155 सीसी का है और ये भी 155 सीसी का। अच्छा, तो उसका 155 का है, पावर बहुत खतरनाक है। वेलकम। देखो भाई, इसको बोलते हैं पब्लिक रिएक्शन। आते आते ही भाई लोग मेरे को रुका के इसके बारे में पूछने लगा, तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि भाई बहुत सारा स्कूटी मैंने लाइफ में चला चुका है, लेकिन इस स्कूटी का जो मतलब फील है एक अलग ही फील है, ठीक है। क्योंकि देखो, इससे पहले मैं जितना भी स्कूटी चला चुका हूँ ना, कभी मेरे को इस तरह से कोई रुका के इस गाड़ी के बारे में नहीं पूछा। आप लोग खुद देख सकते हैं कि भाई लोग खुद आके मेरे को रोक के पूछा। तो ये हम लोग आ चुके हैं हम लोग का पुराने वाले लोकेशन पे, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू वीडियोस बनाते हैं, तो आज फिर से आ चुके हैं और अभी इस बाइक का करने वाले हैं रिव्यू, और एक बार पहले चला के देख लेते हैं। ओ भाई, इसमें VVA एक्टिवेट होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे VVA एक्टिवेट हो जा रहा है। और बात करें अगर मीटर की, तो वह बहुत बहुत ही अच्छा है, और मीटर का भी स्पीड लिमिट नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसका जो मीटर का केबल है ये अभी खुला हुआ है, तो इस वजह से इसका स्पीड लिमिट अभी शो नहीं करेगा। तो बाइक को कर लेते हैं पहले पार्किंग, फिर यहाँ पे करते हैं हम लोग का जो रिव्यू वो स्टार्ट। सॉरी, मैं बार बार बाइक बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्कूटी है, स्कूटी में बाइक जैसा फील मेरे को लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको बाइक ही बोल दे रहा हूँ।
of festering negativity. It's a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. टोटल मिलता है एक स्टैंडर्ड मॉडल और एक मोटो जीपी एडिशन जो कि मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन बोला जाता है. तो हम लोग का पास अभी जो अवेलेबल है वो है मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन, क्योंकि जो स्टैंडर्ड एडिशन है उससे मॉन्स्टर वाला ग्राफिक्स बहुत अच्छा देखने में लगता है. तो कोई भी मतलब यामाहा का कोई भी बाइक ले लीजिए या फिर कोई भी स्कूटी ले लीजिए, जो मॉन्स्टर एनर्जी का ग्राफिक्स है वो बहुत सही लगता है देखने में. तो इसलिए आज हम लोग का पास है मॉन्स्टर एनर्जी ग्राफिक्स का. तो स्कूटी के बारे में डिटेल्स में जानने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि पहले आप लोग देख सकते हैं स्कूटी का जो सामने वाला हेडलाइट का हिस्सा, ये हेडलाइट देखने में बिल्कुल R3 जैसा फील आ रहा है, क्योंकि R3 का भी जो हेडलाइट था वो भी बिल्कुल इसी का तरह था देखने में. और अगर बात किया जाए इस गाड़ी का ओवरऑल लुक्स का, जो कि आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पे लाते टाइम कुछ भाइयों ने मेरे को रुका के इस बाइक के बारे में पूछा. और आते हैं इसका ओवरऑल लुक्स का ऊपर, तो आप लोग एक बार चारों तरफ से देख सकते हैं. और इस यहाँ पे जो एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, अदर स्कूटी और स्कूटी में एक अंतर जो है, ये बीच वाला हिस्सा आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर है, जैसे जो कि यहाँ पे फुटरेस्ट का बराबर नहीं है, इसमें थोड़ा सा ऊंचा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है फ्यूलिंग करने का पोर्ट. तो इसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे दो स्विच मिलता है, एक फ्यूल का एक सीट का. ऊपर वाला अगर दबाते हैं तो जैसे मैं अगर अभी इसको प्रेस करता हूँ तो इसको दबाने से आप लोग देख सकते हैं ये वाला हिस्सा खुल गया है. अब यहाँ से आप अपना गाड़ी को फ्यूल अप कर सकते हैं. और नीचे वाला जो स्विच आप लोग देख सकते हैं ये सीट का है. और बात करते हैं इस बाइक का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का, तो इसमें भी आपको यामाहा का तरफ से जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी डिवाइस आता है वो आपको मिल सकता है. तो ये वाला जो हिस्सा है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का जो डिवाइस है वो इस सीट के नीचे है. ठीक है, आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ. यहाँ पे प्रेस करने पर यहाँ से सीट जो है ये ओपन हो जाता है. और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जगह दिया गया है, बहुत सारा स्पेस दिया गया है. और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो डिवाइस है ये मोटरसाइकिल कनेक्ट वाला डिवाइस है यामाहा का, जो ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट किया जाता है. तो आते हैं इसका स्पेसिफिकेशन फीचर्स की ओर. तो इसका अगर इंजन का कैपेसिटी का बारे में बात किया जाए तो ये 155 cc VS6 का सिंगल सिलेंडर इंजन आपको मिलता है, जिसका जो माइलेज है, माइलेज के बारे में अभी मैं बात नहीं करूँगा, माइलेज के बारे में जानने के लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा. तो ये जो स्कूटी है ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का है. और अगर बात किया जाए इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी का, तो इसमें आपको 5.5 liter का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है. और यहाँ पे इसमें जो सबसे मेरे को बढ़िया चीज़ लगा वो है सीट. तो इसका सीट का जो हाइट है वो 790 mm है, और जो कि काफ़ी बड़ा और लंबाई में भी काफ़ी अच्छा है. तो बात करते हैं इसका कूलिंग सिस्टम का, तो आपको इसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम अवेलेबल है, जिससे आप काफ़ी लंबा राइड में भी इसको ले जा सकते हैं इजीली. और अगर बात करते हैं इसका पावर का, तो ये 8000 RPM में 14.80 BHP पावर जनरेट करता है. और इसका जो टॉर्क है 6500 RPM में 13.9 Nm टॉर्क इसका है. और कंपनी सर्टिफाइड अगर इसका स्पीड का बारे में बात किया जाए तो 115 km/h इसका जो टॉप स्पीड है. और ब्रेकिंग में आपको मिलता है इसमें सिंगल चैनल ABS विथ डिस्क ब्रेक. और इसका जो दोनों टायर्स हैं, दोनों टायर ही ट्यूबलेस टायर में से है. और बात करते हैं इसका जो कार वेट का, वो है 126 kg. और मेरे को जो सबसे अच्छा लगा इस बाइक का स्कूटी का बारे में वो है इसका फ्रंट वाला लुक्स और साइड लुक्स, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है. और काफ़ी मतलब पब्लिक रिएक्शन मिल सकता है आपको, जो कि आप लोग देखे ही हैं कि आते टाइम तीन भाइयों ने मेरे को रुका के इसके बारे में पूछा. तो ये वाला जो स्कूटर है मतलब मुझे तो लगता है वैल्यू फॉर मनी है. तो गाइस अभी अंधेरा होने वाला है, सूरज भी ढल चुका है, तो अभी इसका जो लाइटिंग है वो आपको दिखाने में भी आसानी होगा. तो आप लोग का यहाँ से देख सकते हैं जो DRL दिया गया है वो एक विनम वाला लुक्स आ रहा है इससे. तो मतलब जो है अभी ये तो मॉन्स्टर एनर्जी है, तो इस वजह से आपको इसमें से एक मॉन्स्टर वाला लुक देखने को मिलेगा. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी अच्छा वाला एक लुक आ रहा है. और बात करें अगर इसका जो टेल लाइट का, तो यहाँ पे काफ़ी छोटा सा दिया गया है, देखने में एकदम MT15 का जैसा ही इसका जो टेल लाइट है, और जो कि LED लाइट्स हैं. तो अभी एक राइड लेने वाला है स्कूटी का. तो गाइस फाइनली मैं लेकर थोड़ा पब्लिक प्लेस में आया हूँ, क्योंकि इसका जो पब्लिक रिएक्शन है थोड़ा सा ग्रैब करना चाहूँगा. तो थोड़ा एक स्पिन मार लेते हैं सामने से, ठीक है, और देखते हैं कि लोकल में इसका क्या मतलब पब्लिक रिएक्शन कैसा है.
तो इसमें पब्लिक रिएक्शन, लोकल में इसका पब्लिक रिएक्शन कैसा है और लोकल में ये कैसा चलता है। एक्चुअली मैंने तो हाईवे में इसको टाना इसका पावर देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे लोकल में इसको चलाने में कैसा मज़ा आ रहा है ये सब देखने के लिए एक बार लोकल में लेके निकला हूँ मैं। तो एक्चुअली कल जो है, कल 25 दिसंबर है, तो इस वजह से रास्ते में थोड़ा सा जो है जैम है। ओ भाई भाई भाई, माय गॉड गाइस, आप लोग देखें, मतलब एक स्कूटी में जो मतलब डॉज करने का जो क्षमता इसमें है, मतलब मज़ा आ गया, जस्ट मज़ा आ गया भाई। मतलब मैं इसको जो बाइक बोल रहा हूँ ना, सही बोल रहा हूँ, ये बाइक बोलने की काबिल ही है, स्कूटी बोलने का काबिल नहीं है। क्या हुआ इन भाई को, चलो यार बीच रोड में ऐसे रुका दिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ओ भाई साहब, तो गाइज अभी चलते हैं शोरूम पे और जाके पूछते हैं कि अगर मुझे ये स्कूटी लेना है तो इसका कितना प्राइस पड़ेगा और क्या क्या मतलब फैसिलिटीज़ मेरे को मिलने वाला है, इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं शोरूम में चल के। ओ भाई गाइज, भाई साहब मैं स्कूटी में ऐसे ये देखो फिर से VVA जो है वो एक्टिवेट हो गया, तो इसका शायद 5000 RPM में VVA सेट किया हुआ है। भाई लिटरली मजा आ गया भैया, मतलब ऐसा स्कूटी मैंने लाइफ में कभी नहीं चलाया था, मतलब स्कूटी का जो पावर मेरे को फील हुआ ना, ऐसा वाला स्कूटी मैंने लाइफ में कभी भी, मतलब कभी भी मैंने नहीं चलाया। तो गाइस फाइनली अभी टाइम हो चुका है घर जाने का, तो अपने गाड़ी को निकाल लेते हैं और चलते हैं घर। तो गाइस पहले बता दूं कि ये जो गाड़ी है ये इस शोरूम का नहीं है, आसनसोल शोरूम में अभी अवेलेबल नहीं है ये जो गाड़ी है। तो एक्चुअली ये मेरा एक भाई का गाड़ी है, तो इसका जो प्राइस पड़ा था 1,46,600 के आसपास, जो कि एक शोरूम प्राइस है। और ये जो स्कूटी आप लोग देख रहे हैं ये मेरे एक भाई का है और अभी ये शोरूम में अवेलेबल नहीं है। तो मैं शोरूम से बात किया तो वो लोग मुझे बताया कि शोरूम में अभी ये जो गाड़ी है ये एलोटेड नहीं है, तो अगर आपको इसको लेना है तो आप आके बुकिंग कर सकते हैं, तो शोरूम में आके आपको बात करना पड़ेगा कि वो लोग अभी इसको ला सकता है कि नहीं। तो फ़िलहाल तो अभी टाइम हो चुका है घर जाने का, तो अभी हाँ, और एक चीज़ जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग एक काम कर सकते हैं, अगर इसको बुकिंग करना चाहते हैं तो आप लोग एक बार आके शोरूम में मिल सकते हैं, शोरूम में आके बात करके। राहुल दा जो है, राहुल दा का नंबर मैं शोरूम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि आप लोग को अगर ये वाला स्कूटी लेना है तो आप उनसे बात करके एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। तो गाइस आज का वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो बाइक है, ये बाइक जिसका है, जिन भाई का है, उनको जाके अभी हैंडओवर देने वाला हूँ मैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले कोई नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।